वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों के सभी सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे सदन की गरिमा बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नेता अपनी गरिमा बनाए रखें, सदन में सभी की प्राथमिकता जनता के विकास और कल्याण से जुड़े मुद्दों को उठाने की होनी चाहिए। लोगों ने विधायकों को चुनकर इसलिए भेजा है ताकि वे जनता की आवाज़ सदन में उठा सकें। जब सदन की कार्रवाई चलती है उसमें जो अनावश्यक वाद विवाद होते हैं, उन अनावश्यक वाद विवाद को देखकर जनता को भी लगता है कि हमने विधायक चुन के भेजा था अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, और ये ऐसी बातों के ऊपर वाद विवाद करते हैं जिसका कोई जनता के साथ लगता है उनको कि हमारी जो प्राथमिकता की बात है, ऐसा मैं नहीं कहता कि अभी जो हम बात कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता होगा, लेकिन जनता की प्राथमिकता की बात है उनकी समस्याओं का हल करना, उनके लिए विकास की एक गति बढ़ाना, उन सब बातों को लेकर के अपनी बातचीत को रखेंगे लगातार तो इस बढ़े हुए सदन की अवधि का लाभ सीधा सीधा जनता को हो सकता है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।